बोकारो दिनभर में आज चर्चा होगी पेट्रोल की बढ़ती कीमत की। बेरमो में 100 फीट नीचे खाई में गिरी गाड़ी, एक की मौत। बताएंगे रेड क्रॉस सोसाइटी में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, दो दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिनभर में। मैं प्रियंका। खबरों की शुरुआत कोरोना के आतंक से। भारत में जिस तरह से कोरोना ने अटैक किया है, अब जरूरी हो गया है कि हम कोरोना से युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाएं और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें। साथ ही बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, पर युद्ध को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए हमें सरकार या किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि से कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी सहयोग करना चाहिए। द टाइम्स मीडिया मुहिम चला रहा है हैशटैग मास्क लगाओ बोकारो, और अब एक ही रास्ता हैशटैग सेल्फ लॉकडाउन। आपके मन में बेशक ये सवाल आ रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडियो में हमने सभी प्रिकॉशन लिए हुए हैं और सिर्फ समाचार पढ़ते वक्त ही हम मास्क उतारा करते हैं। बोकारो की अन्य खबरों की भी चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम के मिजाज को भी जानेंगे, कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 152,734 नए मामले सामने आए, वहीं 3,128 लोगों की मौत हो गई, जबकि 238,022 कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,600 नए मामले सामने आए, 814 की मौत। महाराष्ट्र में 15 दिन बढ़ाया गया लॉकडाउन। बिहार में 8 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। CBSE 12वीं की परीक्षा पर सुनवाई स्थगित, 2 दिन बाद होगी अगली सुनवाई। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 514 अंक और निफ्टी 147 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 110 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की तीन बड़ी खबरों पर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 703 नए मामले सामने आए, वहीं 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,724 लोग ठीक होकर घर लौटे। झारखंड में सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप कर्मी समेत हाई रिस्क ग्रुप वालों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी वैक्सीन। मौसम विभाग ने जताई झारखंड में 15 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से पूरे देश में पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही है और लॉकडाउन के बीच बोकारो में भी पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई है। कहीं ना कहीं बढ़ी कीमतों की मार आम जनता पर पड़ रही है। अभी बोकारो में पेट्रोल का क्या रेट है और आम आदमी पर इसका क्या असर हो रहा है, ये जानने के लिए आज हमने पेट्रोल पंप का दौरा किया और लोगों से बात कर उनका हाल जाना। दूध का बिजनेस करते हैं तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो इस पे क्या आपके बिजनेस पे प्रभाव पड़ रहा है? जी हमारे बिजनेस पे असर जरूर पड़ रहे हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग का दूध का रेट नहीं बढ़ पा रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ते रहा है, सब चीज़ का रेट बढ़ते जा रहा है और हम लोग का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसे कि हम लोग तो मान के लिए बाइक से बांटते हैं तो पेट्रोल का तो जरूरत जनरली पड़ता ही है। बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा। एक तो लॉकडाउन में कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं, ऊपर से ये महंगाई अलग से, और क्या बोलूँ, बस परेशानी ही परेशानी है। देखिए काम के हिसाब से ही चलते हैं, क्लाइंट के पास जाना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। सरकार तो कहा जाए तो हम लोग का गार्जियन है, उसको बेहतर देखना है, उसको चुन के भेजा गया है, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर प्रयास करें कि ये कम से कम ये रेट तो ना दिखे। पेट्रोल का रेट जो आए दिन घट बढ़ रहा है, तो इससे आपके निजी जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, सारा चीज का ही दाम बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के चलते तो असर पड़ ही रहा है। महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, बिजनेस से असर पड़ता ही है कि फिर गाड़ियाँ कम निकलती है, काम कम होता है। हमारा कार एसेसरीज की काम है, कार कम भी निकलती हैं, फिर लोग कार गाड़ी लेते भी हैं तो कम फिर काम कराते हैं कि भाई
रुक के काम कराएंगे ये सब। पहले जो पेट्रोल लिया था वो क्या रेट? 90 रुपये था, अभी आज के डेट में परेशानी हो रही है, बहुत असर है, इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है। ये तो समझिए कि 6 महीना में ये 10 रुपये लगभग बढ़ गया है। क्या परेशानी हो रही आम पब्लिक को? बहुत तरह की परेशानी हो रही है, बजट हमारा बढ़ गया है, आए दिन हम लोग कार तो चलाना मुश्किल हो गया, बाइक में चलते हैं, कार में चलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है, डीजल का रेट बढ़ गया है, जिससे कि जितना भी आम जन का जो रोज़मर्रा का जिंदगी का सामान था वो सारा कुछ महंगा हो गया है, तो महंगाई से आम जनता त्रस्त है। अब इससे सरकार को सोचना चाहिए, थोड़ा पेट्रोल का रेट कम करना चाहिए, डीजल का रेट कम करना चाहिए, ताकि हम लोग को भी कुछ राहत मिले, आम आदमी को राहत मिले। ये जो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, अभी इस मंथ में कितना बार चेंजेस हुए इस पेट्रोल के? ये 20 दिन में डेली 20 पैसा डेली भाग रहा है। अभी क्या पेट्रोल का रेट दे रहा है? 91 रुपया 2 पैसा। आसमान छूती पेट्रोल की कीमतों से जनता भी परेशान है। पेट्रोल की कीमत में लगातार वृद्धि से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर सीधे उनके बजट पर पड़ रहा है। लॉकडाउन के बीच बढ़ती महंगाई से लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर इस महंगाई से उन्हें कब छूट मिलेगी। बोकारो जिले के बेरमो गांधीनगर थाना क्षेत्र के 4 नंबर माइंस के पास शनिवार रात तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी अनियंत्रित होकर लगभग 100 फीट नीचे खाई में जा गिरी। गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे, जिसमें एक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलने पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस हर कोण से मामले की जाँच कर रही है। ये जरीदी बाजार में बारात आई थी और ये लोग धनबाद वापस लौट रहा था, इसी बीच डीडी माइंस के पास जो है टर्निंग है, टर्निंग में जो है सो गाड़ी नदी में आकर खाई में गिरी और एक आदमी को धोरी अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए, वहां से शायद रेफर किया है रांची, बाकी एक आदमी यहां पर बॉडी फंसा हुआ देख लिया। ये तो बारात आया था आपको ये हजारीबाग से और ये जो बॉडी मिला है ये धनबाद में रहता है। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं और एक की मौत हो गई है, जिसके बाद बोकारो में अब एक्टिव केसेस की संख्या 312 हो गई है। वहीं 66 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2003 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में 590 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता किसान मोर्चा के संयुक्त देखरेख में रविवार को बोकारो के रेड क्रॉस सोसाइटी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोदी जी की सरकार का 2 वर्ष और कुल मिलाकर के 7 वर्ष पूरा होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस अवसर पर कोई उत्सव नहीं मना रही है। इस कोविड संकट को देखते हुए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा दिवस के नाम पर कोविड पीड़ितों की सहायता और सेवा करने के लिए तत्पर है। उसी आलोक में आप देख रहे हैं कि झारखंड में भी मनाया जा रहा है और झारखंड प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशानुसार किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। जो कोरोना के संकट काल में रक्त की कमी थी उससे जरूर इनके द्वारा रक्तदान करने पर बोकारो जिला में उस कमी को दूर करने में सहायक होगा। गोमिया के IEL में स्थित इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन और स्वांग के NCOEA कार्यालय में C2 का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। पूरे देश में CI2 की स्थापना का 51वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। सन 1970 में 30 मई को CI2 की स्थापना मजदूरों की व्यापक एकता का निर्माण, संघर्ष को तेज करने और जो शोषण से भरी हुई जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको नष्ट करके एक न्यायपूर्ण मानवीय समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए किया गया था।
और CITU का जो लाइन है संयुक्त मोर्चा का लाइन, सभी यूनियनों को एक मंच में लाकर मजदूरों का व्यापक एकता बनाने का लाइन, उस लाइन के आधार पर हम मजदूरों का एकजुट करने का कोशिश करेंगे और हिंदुस्तान के अंदर में आने वाले दिनों में जो संघर्ष होगा उस संघर्ष में हम सभी लोग इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन के लोग हम लोग उसमें शामिल होंगे। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत रविवार को बोकारो विधानसभा के ग्राम सभा फरसा बेड़ा कुलटार सेक्टर 5 झोपड़ी सेक्टर 6 झोपड़ी और सेक्टर 11 झोपड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जरूरतमंदों के बीच मास्क सैनिटाइजर और अनाज का वितरण किया गया। साथ ही मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों का कोरोना जाँच भी किया गया। CCL कथारा क्षेत्र के स्वांग कोलियरी में पदस्थापित अभियंता CS प्रसाद के रिटायर होने पर रविवार को स्वांग कोलियरी के फिल्टर हाउस में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी कर्मी ने उन्हें आगे की जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। जो यहां का कार्य पद्धति का सिस्टम है, प्रक्रिया है, जो बहुत फाइन है, यहां पर किसी भी कर्मचारी के मन में ये भावना नहीं रहती है कि हाजिरी बना करके हम अपना घरेलू काम करें। सभी कंपनी के कार्य में दक्ष हैं और सभी सफलतापूर्वक अपने कार्य को संपादित करते हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो के कई इलाकों में आज सुबह की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई, तो वहीं कई इलाकों में बादल छाए रहने से शुरुआत हुई, जिसके थोड़ी देर बाद हल्की धूप निकली और दिन भर धूप छाँव का सिलसिला चलता रहा। वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम में धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज कमेंट ऑफ द डे में बात करेंगे MD समीर शेख द्वारा किए गए कमेंट की, जिन्होंने 28 मई को बोकारो टाइम्स के YouTube पर ये कमेंट किया था। उन्होंने हमें कमेंट कर लिखा है, बोकारो न्यूज जब से आया हमें बोकारो की खबर पूरी मिलती है, लेकिन चास की खबर भी दिखाइए। हमारा हौसला अफजाई करने और आपके सुझाव के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब जब भी चास से संबंधित खबरें हमारे पास आई है हमने उन खबरों को प्राथमिकता के साथ दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिनभर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।